सूजी की ब्रेड बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है ब्रेड। यहाँ मैंने हरी मिर्च और अदरक को काट लिया है, एक कटोरी सूजी, टमाटर बारीक कटे हुए और बारीक कटी हुई प्याज। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है मलाई। ये घर में जो आपका दूध होता है उसमें से मलाई मैंने 2-3 दिन में इकट्ठी कर ली थी। सबसे पहले एक कटोरे में हम मलाई ले लेंगे। मैं यहाँ पे 4-5 चम्मच के करीब मलाई लूंगी। इसमें अब हम करेंगे सूजी है, पहले मैं आधी सूजी लेकर के मिलाऊंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, आधी प्याज ले लेंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे टमाटर, ये भी अभी मैं आधे ही डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें हम सूजी और मलाई और ऐड कर लेंगे। पहले इसका देख लेते हैं हम मिक्सर बना के। इसमें प्याज थोड़ा और डाल रही हूँ मैं और टमाटर भी थोड़ा और डालूंगी। और इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सॉल्ट, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। धनिया करीब 1.5 चम्मच, लाल मिर्च 3/4, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और पहले से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके अलावा जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है अदरक और हरी मिर्च, जो कि मैंने बारीक काट लिए। अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हमें ब्रेड लेनी है। ब्रेड के ऊपर जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है इसको अच्छे से पूरे में हमें लगा लेना है। आप इसमें चाहे तो कोई सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर है या मटर है बॉइल्ड करके, वो आपकी इच्छा है। इस तरह से हम सारी ब्रेडों में लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पे गैस के ऊपर नॉनस्टिक तवा रख दिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। ये आपको प्रोसीजर सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद जब आप और ब्रेड बनाएंगे तब आपको घी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मलाई अपने आप में ही घी छोड़ती है। मगर फर्स्ट टाइम आप थोड़ा सा घी डाल दें। अब इसमें अब हम इस ब्रेड को उल्टा करके इस तरीके से जहाँ पेस्ट लगाया था ऐसे रख देंगे। इसको 1 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम में सिकने देंगे, उसके बाद इसे पलटेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हमें थोड़ा सा इसे सेक लेना है, इसको भी हम पलट लेंगे। अब जब ये हमारे थोड़ा सा यहाँ नीचे से रेड कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। देखिए मैंने पलट लिए हैं और पीछे से मैंने ये हल्के लाइट ब्राउन कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा और क्रिस्पी करना चाहें थोड़ा और सेक लें। और देखिए आगे से इनका इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इन्हें उतार लेंगे। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें आप चटनी या सॉस किसी के साथ भी खाइए। हमारी ये सूजी की ब्रेड बन करके तैयार हो चुकी है। इसे आप चटनी या सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही जल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है। और इसमें आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए और फिर बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसी लगी।
तो फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।